अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ काशिस हाइलाइटर का रिव्यू शेयर करने वाली। तो काशिस का जितना भी मेकअप है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसे। तो मैंने ये काशिस का हाइलाइटर बाय किया था और काफ़ी टाइम पहले इसे बाय किया था और मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ भी कर रही हूँ, तो मुझे तो इसके बेस्ट रिज़ल्ट मिले। काशिस के और भी हाइलाइटर हैं, यानी उनके शेड अलग अलग हैं और नंबर का फ़र्क है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे उनका ना नंबर जो भी उसके कलर हैं वो नहीं समझ आते। लेकिन जो ये है काशिस का हाइलाइटर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और काशी ख़ुद भी ये हाइलाइटर ज़्यादातर यूज़ करता है। और इस हाइलाइटर का नंबर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 01 नंबर है इसका, बहुत ज़बरदस्त है। और ये आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर का है, ये देख सकते हैं आप, वाइट कलर का है और ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको ये हल्का सा आपको टच करके भी दिखा देती हूँ कि ये देखें आप किस तरह से है, बिल्कुल बारीक से आप इसे जैसे ही लगाएंगे आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसे आप कोई भी हल्की सी फाउंडेशन भी लगाते हैं तो ये आप अपनी स्किन पर लगाते हैं तो यानी बहुत अच्छा ग्लो आता है आपकी स्किन के ऊपर ना। और भी हाइलाइटर आप यूज़ करते हैं लेकिन उनके भी रिज़ल्ट अच्छे होते हैं, लेकिन इसका बेस्ट रिज़ल्ट है और यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है। आप जितने भी काशिस के मेकअप देख लें तो उसमें वो ज़्यादातर यही हाइलाइटर यूज़ करता है और ये बहुत मुश्किल से भी मिलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक भी होता है और ये मिल भी जाता है। तो मैंने इसे काफ़ी पहले बाय किया था और मैं अभी तक इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल हल्का सा भी आप लगाते हैं तो आपकी स्किन पे अच्छा ग्लो आ जाता है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता भी है। काशिस के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हैं लेकिन ये है कि आप एक मरतबा बाय करेंगे तो आपके काफ़ी टाइम तक ना आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होते। तो आज की वीडियो थी इस पर, तो फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।